हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। रिएक्शन वीडियो है और रिएक्शन वीडियो जो है वो निधि की दुनिया के ऊपर है। तो चलिए कल की वीडियो से बात करते हैं। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कच्छा पहने जो ये वीडियो डाली थी, और उसके जो है उसने हाफ वही कच्छा पहने थंबनेल था और लड़के ने मुझे छेड़ा, ये इसका टाइटल था। अब ये बताइए, आप लोग खुद बताइए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी निधि के सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में ये इतनी खूबसूरत लड़की है, इससे ज़्यादा कोई कम सिन जवान खूबसूरत नहीं है जो किसी और को कोई नहीं छेड़ता है। सब इसी को छेड़ते हैं। पिछली बार वाला भी आपने नहुए से लेकर टैक्सी वाले से लेकर और कैब ड्राइवर से लेकर सबका ही आप याद कर लीजिए। फिर से इसने वही जो एक विक्टिम का वो था सिंबल कि मौका नहीं जिम्मेदारी होती है, वो कह के लिख के उसने ये डाला। अब आपको एक चीज़ बताइए, निक्कर नहीं इसको कच्छा कहेंगे। कच्छा पहन के ये जाके चौराहे पे खड़ी हो जाए, मार्केट में जाके खड़ी हो जाए, कोई दिल्ली बॉम्बे चेन्नई महानगर नहीं है, कोई मेट्रो सिटी लखनऊ और वैसा इलाका नहीं है। तो अब आप ये बताइए, ऐसी जगहों पे जो छोटी जगह है, इसका जो हिसार है कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, वहां पे जाके हाईवे पे जाके कोई औरत जो है 34-35 साल की कच्छा पहन के खड़ी हो जाए तो लोग कैसे देखेंगे, किस नजर से देखेंगे। उसके ऊपर उस लड़के ने यहाँ पे उससे सिर्फ इतना ही पूछ लिया था, तुम यहाँ पे कैसे, यहाँ क्या कर रही हो। तो किसी ने कमेंट भी किया था, अगर आप लोग को याद होगा कि किसी ने कमेंट भी किया था कि लगता है उसने आपको प्रोस्टिट्यूट समझ के ये चीज पूछा, तो इसने रिप्लाई दिया कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये खुद को ये चीज बताने पे तुली हुई है, ये अगर आप लोग गौर से देखे तो ये खुद को ये चीज कहने पे तुली है, जो औरत अपने मुंह से निकालती नहीं है। 34-35 साल की एक औरत जो है एक तो एकदम सांडी मुसंडी जो है वो निक्कर पहन के कच्छा पहन के रास्ते में सड़क पे खड़ी हो जाए इस तरह से तंग के, आप लोग खुद ही समझिए वो किस तरह का लुक दे रही होगी, किस तरह की खड़ी होगी कि अनजान आदमी आके इस तरह से बात करने लगे। हम आप जाते हैं, कई लोग जाते हैं रास्ते में, औरतें खड़ी होती हैं, दुकानों में खड़ी होती है, ठेलिए खुमचे में खड़ी होती है, कितने लोगों को कौन छेड़ता है। आपको आप लोग को कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो आप लोगों को कुछ किया हो? तो ये इसका ड्रेसिंग सेंस, खड़े होने का और चीज पता नहीं उसने देख के जो भी समझा, कमेंट सेक्शन में पूछा भी उसने जवाब भी दे दिया। दूसरी वीडियो आई कि मुझे लगता है कैंसर हो गया है, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, हाथ उठा नहीं पाते, पैर उठा नहीं पाते, ये नहीं हो पाते। अब हम लोग के एज पे आने पे दर्द शुरू हो जाता है तो समझ में आता है, इनकी एज में अगर किसी को दर्द होता है तो वो निकम्मों को होता है। अगर आप लोग जानते हो, भाई हम कोई गलत तो कह नहीं रहे, निकम्मी जो औरतें होती हैं जो घर के कोई काम नहीं करती हैं, हाथ पैर हिलाना उनको नहीं है, बस एक जगह ट्राइपॉड पे या कहीं पे कैमरा सेट कर दिया और शूट करके बकबक बकबक करके वीडियो बना डाली, क्योंकि हम एक बार वायरल हो चुके हैं तो सारे लोग मुझे एडिक्टेड होकर मेरी वीडियोस देखेंगे, ये सोच रख के। वो लोगों के हाथ में, पैर में, जोड़ों में, घुटनों में, टखनों में दर्द होता है क्योंकि वो निकम्मे हैं। जो औरतें घर के काम काज करती हैं और घर के काम काज, बाहर के काम काज जो एक्टिव रहती हैं, उनको सारे शरीर में इस तरह के दर्द नहीं होते। विटामिन डी की कमी, विटामिन बी की कमी या कैल्शियम की कमी आप इनको कह नहीं सकती, जिस मतलब एफिशिएंसी हो सकती है लेकिन इसको किसी भी विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। जिस हिसाब से ये जूस पीती है, जिस हिसाब से ये दूध पीती है, जिस हिसाब से ये खाना खाती है, तो कोई चीज की कमी तो इसके शरीर में होगी नहीं। तो फिर किस बात का दर्द है ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। इसका शरीर व्यायाम मांग रहा है। हम अब आम भाषा में तो या तो मतलब या तो ये कोई मीटिंग वीटिंग रख ले, कहते हैं ना मीट रख ले, सब्सक्राइबर मीट या वैसा रख ले, मीटअप रख ले, तो इनको कुट पिटा है कोई, तो शायद इसके जो दर्द है हाथ पैर के जोड़ों के वो जाए, या फिर इसको कोई एक महीना घर के काम कराए अच्छे से तो शायद इसके हाथ पैर का दर्द जाए। वैसे तो दर्द इसके हाथ पैर का जाना नहीं, क्योंकि जो चीज किसी बीमारी से होती है उसको तो आप दवा देके इलाज करके ठीक कर सकते हैं। जो इस तरह के निकम्मों का दर्द होता है वो निकम्मों के साथ ही चला जाता है, दर्द वो जाता नहीं है, वैसे नहीं जाता है, इसका इलाज यही है। कैंसर को इसने तमाशा बना दिया, कैंसर हो गया। अब इससे कोई पूछे कि भाई किसी कैंसर पेशेंट से कभी बात करके देखना, कैंसर का नाम नहीं कोई लेता है, मुंह से निकालता नहीं है। सुबह सुबह आप खुली इसका वीडियो कैंसर वाला आ गया, जिसके घर में कैंसर पेशेंट होता है उसको कितना दर्द होता होगा ये कभी इससे बताए, जाके ये पूछे कि उस पेशेंट को किस तरह की जिंदगी काटनी पड़ती है, कितना दर्द होता होगा, कैसे कैसे इलाज चलते हैं कीमो से लेकर, क्या नहीं होता है उसके साथ, उसका परिवार कैसे सफर करता है, ये आप और हम समझ सकते हैं, हम लोग देखते हैं सामने। इसने उस बीमारी का मजाक बना रखा है कि लगता है मुझे हाथ पैर के दर्द में, निकम्मेपन के दर्द में, बिल्कुल कामचोर निकम्मी की कैंसर बताए।
मुंह से लव निकालते नहीं है, लेकिन मतलब इच्छा तो कर रही थी इसको एक चमट कस के जाके, मेरे सामने नहीं पड़ी, एक चमट कस के लगाए, तब शायद इसका मुंह जो है वो टेढ़े से सीधा हो। इसकी जो टेढ़ापन और ऐठापन है ना, इसको निकालने के लिए इसकी बस क्या बताएं, अब हम आगे इसका आप लोग समझ सकते हैं, कुछ ज्यादा कह भी नहीं पा रहे हैं। इसके बाप की करतूत आप लोगों ने देखी, जो 4 महीने पहले की वीडियो जो है, इसके पड़ोसन की जो वीडियो देखी हम लोगों ने, जिसमें मौके का फायदा वाला जो था, उसमें आप लोगों ने देख लिया बाप ने कैसी एक्टिंग की, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उस पर एक डिटेल वीडियो मैं लाऊंगी, उस पर आराम से एक डिटेल वीडियो लाऊंगी। उस वीडियो पे 2 लोगों ने फायदा उठाते दिखाया गया, इससे पहले जिसका पैसा लिया था उसका सीन कैसा दिखाया आप लोगों ने देखा, उसका सीन ऑफ करके दिखाया, इसने अपना सीन कैसे दिखाया, उसके ऊपर लेट के उस तरह से करके, आप लोग खुद सोच लीजिए, ये इसका घर, इसका परिवार किस तरह का बेशर्म, कितना कैसा लोग है। अच्छा, फिर किसी ने कमेंट भी किया था, रिएक्शन वाले क्या कमेंट किया था कि इसका जो है, इसका जो मोहल्ला है वहाँ पे इस तरह के ही लोग, तभी इसको कोई टोकता नहीं है, घर से बाहर भगाता नहीं है, मोहल्ले से क्यों नहीं भगाता है, इसके सोसाइटी से क्यों नहीं भगाता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह, क्योंकि जो दूसरे इसकी पड़ोसन की वीडियो जिसके बर्थडे में गई थी, जिसके बर्थडे में गई थी, वो लोग भी अश्लील वीडियोज बनाते हैं डेली, अगर आप लोगों ने देखा होगा, वही मोहल्ला, वही मकान, वही सब कुछ, अगर आप लोगों ने देखा होगा उसी सोसाइटी का वो वीडियोस है, तो इसको भी बनाते रहते हैं, कोई ढंग का इंसान वहां रहता तो शायद आज तक इसके ऊपर बैन लग चुका होता, केस हो चुका होता, इसको निकाला कर दिया गया होता। लेकिन वहां पे उसने कमेंट में बताया कि लिविन वाले या शादीशुदा जिनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो वहां पे कमरा लेके रहते हैं, वो सोसाइटी ही पूरी इस तरह से ही है, ऐसे ही लोग वहां पे रहते हैं। तभी हमारे दिमाग में आया, कल से हमने जो कमेंट पढ़ा है तो मेरे दिमाग में ये आया है कि इसीलिए इसको कोई नहीं रोक पाता है, कोई नहीं रोकता है, कुछ नहीं कहता, और जो थोड़ा बहुत आत्मसम्मान वाले रोकते होंगे तो मैं सोशल मीडिया में, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, मैं ये कर दूंगी, तो धमका ले जाएगी, इतनी जबर औरत है। अच्छा, फिर जो लड़का इनको छेड़ रहा था, जिसके पास हाईवे में जाके खड़ी हो गई थी, उसके लिए बता रही है कि वो मेरे पैर ताक रहा था, वो मेरे पैर देख रहा था। अब ये बताइए, इतने गंदे जिसके पैर, वो देख के यही सोच रहा था कि ये नाली में लौटती है, ये नाली में रहती है, जो सुअर नाली में लौटते हैं रहते हैं, जैसे काले होके निकलते हैं नाली वाले, वैसे ही इसके पैर हैं। हमने तो स्क्रीनशॉट भी डाला था, आप लोग ने देखा ही होगा, महीनों ये नहाती नहीं है, हर 15 दिन में एक बार बालों में शैम्पू कर लेती है, जिससे कि बाल आगे करके अपना आईब्रो टेढ़ी मेढ़ी छुपा सके। इसके अलावा ये आपको कभी हाथ और पैर मुंह साफ करते कभी दिखे नहीं, कभी आपको दिखी है प्रमोशन वीडियो के अलावा, कभी आपको ये अच्छे से फेस वॉश करते, हाथ पैर की सफाई करते, ये उबटन लगा, कभी कुछ भी क्लीनिंग हाइजीन के पर्पज से कोई वीडियो आपने इसकी देखी है? कभी नहीं देखी। अब वो लड़का इनके पैर तक, इनकी खूबसूरती तक रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि निहायती गंदी, निहायती वैसी औरत है ये, जिसको दूर से देखने के बाद भी वो उसी नजर से देख रहा होगा। हम आपको बता रहे हैं, वो तो इसको कहने से भर से है, वो इसी गंदी नजर से ही देख रहा होगा कि इतनी गंदी है, इसके नाली में लौटे हुए पैर है, ये जाने किस घर की है, कहां से यहां पे आ गई है। आप लोग खुद सोचिए, बच्चा इसने जिस तरह से तैयार किया आपके सामने, हम उस बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चा तो कच्ची मट्टी का होता है, जैसा आप ढालेंगे वैसा ढलेगा, उसको आज अच्छी परवरिश की जरूरत है जो उसको नहीं मिल रही है। दूसरी चीज, किचन सर्विस शुरू करना है, किचन के बर्तन, अरे खुद के खाना नहीं जिसको बनाना आ रहा है, खुद कभी बना के खा नहीं रही है, बच्चे को बना के खिला नहीं रही है, वो टिफिन सर्विस चलाएगी। इस बर्तनों का भी राज बहुत जल्दी खुलेगा, या तो यह दुकानदार का प्रमोशन के वीडियो के लिए आया होगा, बाद में सारे बर्तन वापस हो जाएंगे, आपको दिखेंगे नहीं। फिर ये अपनी माँ के घर दिखाती है, बड़ा गंदा, तेरा घर बहुत साफ है, जो माँ का घर बहुत गंदा है। इतनी गिरी औरत है कि दूसरों को नीचा दिखा के खुद को ऊंचा दिखाना है, खुद के पैसे कमाने हैं तो माँ की ही बुराई सही। माँ 3 बजे आके चेक करती है, तो ऐसा करिए, किया ही ना करना कि 3 बजे आके चेक करने की जरूरत पड़े, और तो किसी की माँ चेक नहीं करती, इतनी यूट्यूबर है, कोई बता देगी मेरी माँ के चेक करती हूँ। माँ को बुराई, बाप की बुराई, बाप को इस तरह से दिखा के ये बुराई वो बुराई, भाई आके ले गया, भाई भर्ती हो गया, माँ को भर्ती कर दिया, इस तरह की चीजें दिखा के ये सिर्फ पैसा कमाना है, दुनिया जाए भाड़ में, बच्चा जाए भाड़ में। बच्चे को भी अब वीडियो बना के इसने बताया नहीं, मैंने वो पूरी वीडियो नहीं देखी है कि वहां करना है हॉस्टल में अब करना, क्योंकि ये खुद बच्चा भी अब नहीं देखना चाहती है, ये बच्चा भी नहीं देखना चाहती वीडियोस बनाने के आगे। अच्छा, एक कमेंट हम स्क्रीनशॉट लगाएंगे थंबनेल में, देख लीजिएगा आप, उसमें किसी ने कमेंट किया है कि वो हिसार का ही है और बच्चा तो सारा दिन उस गली में घूमता ही रहता है, ये वीडियो बनाती रहती है, ये खुद भी डायपर पहनती है। अभी कुछ दिन की वीडियो में देखा था इसने, कुछ दिन पहले आपको दिखाया होगा, बड़ों वाला डायपर लाई है मम्मी के लिए, मम्मी डायपर नहीं पहनती, ये डायपर में ही हगती है, ये डायपर ही पहने रहती है, इसको वीडियो बनाना है, इसको सिर्फ वीडियो बनाना है, जाने क्या करती है, जिस हिसाब से ये बड़ा वाला डायपर पहनती है उसी में वो करती है पॉटी सॉटी, और वो पूरा कूड़ा
खुल के सामने पोल खुल गई इसकी सोसाइटी में, इससे कूड़ा उठवा के फेंकवाया गया, वो कूड़ा इसी से साफ करवाया गया। ये किस्सा इनके घर मोहल्ले में हो चुका है। जो चीज़ हमारे पास कमेंट आई है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो यही बता सकती है, यही जान सकती है। एक नंबर की झूठी मक्कार तो है ही है, इसके बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है कि ये जितना बोलेगी, अगर इसकी 30 मिनट की 3 वीडियो है तो इसमें 90 मिनट में इसने 85 मिनट आपसे झूठी बोला होगा। 5% भले ही इसके मुंह से कुछ निकल गया हो अपने विषय में, सच इतनी झूठी मक्कार है। आज की वीडियो में खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर को आप लोग सपोर्ट के मतलब नहीं देखें तो ज़्यादा अच्छा है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये झूठ परोस रही है, जिस हिसाब से ये गंदगी परोस रही है, आगे चल के आप ये देखिएगा इसका जो सोसाइटी दूसरी वाली जो है ना, इसी की सोसाइटी की जो दूसरी वाली अश्लील वीडियो बना रही है, कुछ दिनों में उसी में तब्दील होने वाली है, उससे भी भयंकर, क्योंकि ये तो पूरी सीखी सिखाई है। इसको तो ये भी पता है एल्गोरिथम को कैसे मात देनी है, तो फिर समझ ला जाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए न जाइएगा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि और मुद्दों पे भी हमारी चर्चा आएगी, चाहे वो अभी सीमा सचिन हो चाहे अरमान मलिक का केस हो। जल्द मिलते हैं हम आपसे।